हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी जेई आरआरसी ग्रुप डे के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराई जा रही है, जिसे हम मॉडल पेपर कहते हैं। उसी में जनरल साइंस का पार्ट 5 आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं बताना चाहता हूं, जनरल साइंस के अलावा आपके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल जीके, जनरल नॉलेज हो गया, प्लस अलग से एक वीडियो आपको मिलता है जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का, ठीक है। और मैथ का जो वीडियो है आपके लिए मॉडल पेपर का, वो जल्द ही शुरू होने वाला है। उसके लिए आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हैं, सर मैथमेटिक्स लेके आया, तो मैथमेटिक्स आपके लिए जल्दी आने वाला है। हम बात करें जनरल साइंस के, जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो आपके ALP एग्जाम जो हुए थे उसको ध्यान में रखे, प्लस आपके ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे उसको ध्यान में रखे बनाया गया है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लगातार एक महीने देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि आप में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। और इसमें से 100% मैं कहूँगा कि प्रश्न लड़ने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चाहेंगे आपसे कि आप पहली बार अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब। और इसका अगर जो अपने पूरा सीरीज देखना है जो प्रीवियसली हो चुके हैं, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है तीनों के, आरआरसी ग्रुप डी के, ये जनरल साइंस के, प्लस आपके जीके जीएस और रीजनिंग के, सबके प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं, जनरल साइंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 5। उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप विज्ञान या फिर कह सकते हैं पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका इसकी बात करें तो इसमें अध्ययन किया जाता है पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। अभी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। किस, ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है डेंड्रोलॉजी, ये देखिए डेंड्रोलॉजी पूछता है, इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए हर वीडियो में, ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे चीज़ें प्रिपेयर हो जाएगी। डेंड्रोलॉजी की बात करें तो इसको लिख लीजिए झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी, ठीक है, झाड़ियों का अध्ययन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चिकन पॉक्स की बात करें आपका, इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो है वेरिबोला वायरस। क्या बोलता है, वेरिबोला वायरस चिकन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसमें वेरिबोला दिया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देंगे तो वेरिसेला आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, कीमोथेरेपी, क्वेश्चन है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कीमोथेरेपी आपका कैंसर के उपचार के लिए की जाती है। कीमोथेरेपी इसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी कैंसर के बहुत लाभदायक उपचार है कह सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक शॉट द्वारा रोगग्रस्त जो सेल होते हैं उसको क्या किया जाता है, नष्ट करने का प्रयास किया जाता है कीमोथेरेपी के अंतर्गत, ठीक है, कैंसर में किया जाता है। और ये क्या किया जाता है, इसमें जो बीमारी के लिए हमारा जो सेल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो तीन यहाँ पे है, अब पहला है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखिए, इसको तो मैं नहीं रोक सकता ना, गाय है बगल में है और गली में तो चिल्ला रही है, तो इसको मैं नहीं रोक सकता। तो इसकी बात करें तो आपको पता है LPG यूज़ किया जाता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या होता है हमारा, इस LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, या फिर कह सकते हैं लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हमारा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए CNG का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड होता है फिर नेचुरल गैस होता है, यहाँ पे नेचुरल गैस होता है CNG का फ्लो, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। ऑप्शन है नींबू, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। ध्यान रखिएगा, शिमला मिर्च एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट, सॉरी ये नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये शिमला मिर्च नहीं है प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत, ये इसको क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा, अपघटन बोलते हैं, इसमें अपघटन नहीं है तो विद्युत विघटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया था,
ये भी ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे, किसने दिया था, फैराडे ने दिया था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, विद्युत आवेश का कुचालक नहीं पूछा है, सुचालक है, सुचालक है, ठीक है, तो पानी ध्यान रखिएगा सुचालक है विद्युत आवेश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन मतलब वही होता है जिसमें आप कुछ भी डाल के सर्च कर देते हैं वो आ जाता है, तो बात करें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे हम, तो हमारा क्या दिया है पहला याहू, याहू आपको पता होना चाहिए, याहू एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट बात करें ऑप्शन क्या है, बिंग, बिंग देखिए बिंग सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बिंग भी सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट भी, फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर फ्लिपकार्ट क्या है, एक साइट है जहाँ से आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पास क्या है क्वेश्चन, पास और पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव की आंखों के अनुकूलन की विशेषता क्या को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सामंजस्य बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों के अनुकूलन की विशेषता क्या होती है, सामंजस्य होती है। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सॉरी मानव आंख की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, और ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जाता है, जो लेंस की फोकस दूरी वो घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये होता है उसके आँख में इफेक्ट, और इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, और जो आपके दूर दृष्टि होता है उसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 होती है, और पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, सामंजस्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहते हैं, तो क्या है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ये सॉरी ये क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है, ये था मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहते हैं, हैचलिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैचलिंग कहते हैं, ठीक है। और मगरमच्छ की बात करें ये इसमें आता है सरीसृप वर्ग में आता है, सरीसृप वर्ग में आता है, सरीसृप वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, तो बात करें गति त्वरण और गति समय द्रव्यमान और त्वरण, इसमें पूछ रहा है कौन सा ये ऑप्शन में से डिफरेंट समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें हमको क्या दिख रहा है, हम बात करें गति और समय और त्वरण इनकी बात करें तो एक चाल से संबंधित है, लेकिन जो मास है वो क्या भार से संबंधित है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से समूह से संबंधित नहीं है, तो मास द्रव्यमान संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन हाईवे, क्या है ग्रीन हाईवे 2015 का क्या उद्देश्य है, तो नाम से ही इसमें स्पष्ट हो जाता है ग्रीन हाईवे मतलब क्या है, इसमें ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 हुआ था उसका उद्देश्य था पर्यावरण अनुकूलन राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस योजना का जो उद्देश्य था सड़क एवं रेल की पटरी के दोनों तरफ क्या लगाना था, वृक्ष लगाना था, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो इनमें जल की बूंदों से किसके बाद होकर यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है, आपके सामने क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है आपके सामने प्रकाश का प्रतिबिंबन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जल की बूंद प्रकाश का परिवर्तन एवं प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के से होकर क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है एक और दो रुपए के सिक्के किससे बनते हैं, तो बात करें एक और दो रुपए के सिक्के की बात करें तो ये फेरिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, किससे बनते हैं, फेरिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC क्या है, तो NFC की बात करें, NFC एक क्या है, ये कम दूरी एवं उच्च आवृत्ति की वायरलेस संचार पर आधारित है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जब मानव शरीर के तापमान में शरीर का सामान्य तापमान से लगभग
5.4 से 8 डिग्री फारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हाइपरपायरेक्सिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है सामान्य से 5.4 से 8 डिग्री फारेनहाइट की कमी हो जाती है तो हाइपरपायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है? ध्यान रखिएगा गुर्दे में खराबी होती है तो डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। इसमें डायलिसिस की प्रक्रिया करके गुर्दे को ठीक ढंग से चलाने की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वाष्पीकरण के सिद्धांत को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे को अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।